कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर चुकी है सीधे वहां पर। जो ये मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का और कंपलसरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया, तब लोग सभी खुश होने लगे, सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया, ये बात बाहर आ गई। इसीलिए ये हमारा जो पहले से गरीबों के लिए वायदे थे वो हम पूरे करेंगे। मोदी जी 10 सालों में इसके मुकाबले का एक काम भी नहीं कर सके। आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, जो नेहरू जी के जमाने में बने वैसे कोई एक बड़े बड़े काम उन्होंने किया है? जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी उस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी ने रैकेट बनाकर उड़ा कर दिखाया, और बहुत से जो साइंटिफिक योजनाएं थी हमने बनाए। अब मोदी जी के जमाने में तो गालियां देने का छोड़ के दूसरा तो मैं नहीं सुना, और उसके अगर कोई छुपे हुए काम है तो मेरे को बताओ ताकि मैं भी उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन आज हम गारंटी जो भी दे रहे हैं, हम चंद स्टेट में करके दिखाए हैं, हिमाचल में करके दिखाए हैं, कर्नाटक में करके दिखाए हैं, तेलंगाना में करके दिखाए हैं, जहां कहीं भी हमारी सरकार है, और राजस्थान में भी हमने कई नई चीजें की वहां भी करके दिखाए हैं। तो ये हम जो कहते हैं, मैं पहले ही कहा, वो हम करते हैं, और हम डरते नहीं है करने के लिए। हमारा कितना भी नुकसान हो लेकिन गरीबों के लिए हम करते रहते हैं, ये हमारा पहले से कार्यक्रम है। और मैं चंद बातें इस मौके पर, थोड़ी देर हो गई तो क्षमा चाहता हूं, मैं चंद बातें आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है, चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है, और कई मुकदमे एक के ऊपर एक छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले, 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है, इसीलिए हम सब लोग, देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए, और जो ऑटोक्रेटिक मोदी साहब है उनको हटाना चाहिए। ये मेरा आपसे विनंती है, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ बातों से नहीं होगा। आप लोग घर घर जाके, और हमारी गारंटी कार्ड जो है, इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप से विनती करूंगा, ये काम हमारा आप करेंगे, और इस ऑटोक्रेटिक सरकार को हटाने के लिए आप काम करते रहेंगे। अब बीजेपी का तो ऐसा है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो।
तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो था उसे रिलीज किया, जारी किया, और इसमें तमाम अहम बातों को कांग्रेस पार्टी द्वारा संलग्न किया गया। सबसे बड़ी बातें आपको बता दें, 50% के आरक्षण सीमा को खत्म करने की बात यहां पर की गई है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर रोजगार से लेकर युवाओं का जिक्र किया गया है कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में। और सीधे आपको बता दें, हमारी सहयोगी शिवानी ने एक एक करके हर पॉइंटर्स को बखूबी समझाया। सीधे ये रिपोर्ट देखते हैं। It is a detailed document of 48 pages, and it the highlights are that defending the democracy, because Congress has been putting out allegations on the present government that there is no right to speech for especially the parliamentarians, and there have been discussions inside the parliament also. So they say that we promise that the freedom of from fear will be there, and otherwise for women also they've brought out the Mahalakshmi scheme that guarantees 1 lakh of money per year for women without any conditions. So this is another major highlight. Another important thing is for the youth, they guarantee and they also promote the idea of more and more government jobs, and they will try to reduce the contract basis jobs in the government sector. That's what they have been claiming. तो जल्दी से हिंदी में आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की जाएगी, ये बात रखी है। आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इसे भी संलग्न किया है अपने घोषणा पत्र में। एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा जो है वो 50% बढ़ाई जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा, और 1 साल के अंदर एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग जो रिक्तियां हैं उनमें जो है भर्तियां की जाएंगी। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो 5 न्याय था, 25 गारंटी थी, वो बकायदा घोषणा पत्र में लिखा गया है। और अभी कांग्रेस पार्टी के तमाम आला जो नेता, आपको बता दें पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम जो नेतागण वो मौजूद रहे। घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज किया गया।